सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र की तो व्यापक पैमाने पर कैमोर मुड़ा पहाड़ में जंगल की जमीन है और यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर एक दो लोग नहीं बल्कि हजारों की तादाद में दूर दराज से आकर दूसरे जिलों से आकर के लोग यहाँ पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। आलम यह हुआ कि आज कैमोर मुड़ा पहाड़ शिव मंदिर के पास यहाँ पर अतिक्रमणकारियों ने जाम कर दिया है और आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है, जैसा कि आप हमारी चलती हुई विजुअल के माध्यम से भी देख सकते हैं। बात की जाए प्रशासनिक अमले की तो पुलिस विभाग थाना अमलिया थाना प्रभारी अमलिया निरीक्षक राकेश बैस अपने दल बल के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर फॉरेस्ट विभाग के रेंजर की बात की जाए तो विनायक कुमार गौतम पूरे अपने दल बल के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और राजस्व विभाग के सिहावल तहसीलदार भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आम आदमी पार्टी की नेत्री सीमा शर्मा भी यहाँ पर पहुँची हैं। चूँकि हमने पहले भी आपको बताया है कि इस पूरे मामले में राजनीति की एंट्री हो गई है और राजनीति काफ़ी सक्रियता से की जा रही है, वहीं यहाँ पर इन लोगों के द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है। लगभग दो घंटे से अधिक समय बीत चुका है और पूर्ण रूपेण आप हमारी चलती हुई विजुअल में देख सकते हैं कि दोनों तरफ 1 से 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, यात्रियों को पानी पीने की भी काफ़ी किल्लत हो रही है, चूँकि पहाड़ है और पहाड़ पर पानी की सुविधा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अतिक्रमणकारी हैं वो राजस्व पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों का कहना नहीं मान रहे हैं, न तो किसी राजनीतिक दल का कहना मान रहे हैं। उनका सीधा सा और स्पष्ट रूप से यह कहना है कि जब सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा 5 डिसमिल जमीन का पट्टा देने का ऐलान किया गया था तो हमें वह पट्टा चाहिए, लेकिन अब वो नहीं मान रहे हैं। एक रात में सर अतिक्रमण, एक से रेंजर अधिकृत नहीं है मीडिया को कोई जानकारी देने के लिए, आप एसडीओ साहब से बात करेंगे। सर किससे बात करें सर? एसडीओ फॉरेस्ट साहब। तो सर आपको भेजा गया होगा, प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया, तो सर हम अधिकृत नहीं है सर, बताएंगे क्या हो रहा है सर यहाँ? हम अधिकृत नहीं है मीडिया को। सर क्या जंगल की जमीन में हो रहा है अतिक्रमण? हम अधिकृत नहीं है जानकारी देने के लिए। एसडीओ साहब को ही अवगत करा रहे हैं, एसडीओ साहब को अवगत करा रहे हैं स्थिति से, जैसा भी जो है हम अधिकृत नहीं है जानकारी देने के लिए। ये बता सकते हैं सर मांग क्या बात की है सर? हम अधिकृत नहीं है मीडिया को जानकारी देने के लिए। मैं एसडीओ साहब से आप बात करिए, मैं उनको अवगत करा रहा हूँ, ठीक है? हम लोग के सामने सब जनता आए थे तो हम लोग आए हैं। आए हैं कहाँ से आए हैं आप? महुआर से। महुआर? हाँ यही महुआर है, नौती महुआर से। आप कहाँ से आए हैं? सगरौली से, डड़की द्वारी से। क्या नाम है आप? हम महुआ वहाँ से आया है। हम सुड़वार का है। सुड़वार के? क्या नाम है तुम्हारा? राजू पटेल। जाना था ना कि जंगल की जमीन में अतिक्रमण नहीं करे होता है? हाँ होता है तो, पर हम भाई अब सारा गांव आवा था, हम आवा हम। इसने बोला था कि जमीन बट रही है। भैया जी बोले, सिराज जी भैया बोले हैं कि हर गरीबों के 5-5 जिसमें जमीन मिलेगा, 1-1 हजार रुपया दे रहे हैं, बोले है कि हर गरीबों के 5-5 जिसमें मिलेगा। आज सुबह हमको खबर मिली थी कि मतलब कुछ लोग लार्ज स्केल में कैप्चर कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। हम पहुँचे यहाँ पर तो पहले तो हमको पता नहीं था कि कहाँ की ज़मीन है, जब देखे तो यहाँ पर फॉरेस्ट की ज़मीन पर बड़े लार्ज स्केल पर कब्जा किया जा रहा था। और कब्जा भी इस तरह से है कि उन्होंने बस मार्किंग कर ली है, कपड़े वगैरह लगा लिए हैं कि इतना एरिया हमारा इतना तुम्हारा, इस टाइप से। ये बहुत बड़े स्केल पे है और जहाँ तक हमको जानकारी मिले सिर्फ हमारे क्षेत्र के नहीं हैं, कुछ बाहरी भी हैं, कुछ देवसर वगैरह से यहाँ से वहाँ से आए भी हैं। अगर सर वही इस पूरे मामले को लेकर के हम आम आदमी पार्टी की नेत्री सीमा शर्मा से बात करने का प्रयास करते हैं। पता चला यहाँ पर कि जाम लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर आई, देखी तो यहाँ पर काफ़ी पब्लिक है और जो माननीय मुख्य यहाँ के जो माननीय विधायक कमलेश्वर पटेल जी हैं, यहाँ की जनता को विधानसभा से जो जनता गरीब परिवार है उनको ये बोला गया कि आप जाइए जंगल में जो फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन है 5-5 इसमें जमीन हम दे रहे हैं, जाके आप लोग अपना अपना जगह कवर कर लो। किसने कहा? ये कमलेश्वर पटेल जी का कहना है, यहाँ की पब्लिक कह रही है, हमें नहीं पता है कि लिखित में उन्होंने दिया है कि नहीं दिया, लेकिन जनता यहाँ की यही कह रही है। अब मैं ये सवाल मेरा है यहाँ के जो विधायक हैं कि आप पढ़े लिखे हो, आपको ये पता है कि फॉरेस्ट विभाग की जंगल विभाग की ये ज़मीन है और ये ज़मीन में जो होता है पट्टा नहीं मिलता है, सरकारी जो ज़मीन होती है उसका पट्टा 5 डिसमिल का बनता है, तो फिर आप जनता को यहाँ पर क्यों उतार दिया रोड पर? आप चुनावी राजनीति खेल रहे हो,
आज जनता पढ़ी लिखी नहीं है, आप लोगों के कारण ही आज जो हमारी समाज की जनता है वो पीछे है, अशिक्षित है, शिक्षित नहीं हो पाई है, और आप जनता का फायदा उठा रहे हो, चुनावी राजनीति कर रहे हो। अगर आपको जमीन देना था 5 डिसमिल तो आप सरकारी जमीन कहीं बताते उनको, जहां उनको मिल सकती थी। आज गरीब परिवार बेचारे भूखे प्यासे ये लोग परेशान हैं। ये बात जनता को आपने बताई? बता दिया मैंने जनता को कि ये फॉरेस्ट विभाग की जमीन है, जंगल की जमीन है, ये जमीन कैसे 5 डिसमिल मिल सकती है? फॉरेस्ट विभाग क्यों देगी अपनी जमीन? क्या डिमांडे हैं इनका? कहना ये है कि जहाँ की जब तक मुझे जमीन नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं हटूंगी या नहीं हटूंगा, इन लोगों का कहना है। चाहे मैं भूखे प्यासे मर जाएंगे, चाहे मेरे ऊपर गाड़ियाँ चढ़ जाएं, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं, इनका कहना ये है। तो बरगलाया गया है इनको? इनको सिर्फ है चुनावी वोट के लिए इनको बहलाया गया है, ताकि इनको ये लगे हाँ कि हम विधायक हैं और हम जो है जनता के मसीहा हैं। सरकार आदेश किए हैं हाँ के नहीं, 5 डिसमिल जाके तुम लोग छिंदवा लो। विधायक सुपेला को आपसे बोले हैं? आपसे भी? हाँ, सामू से बोले सर। कब बोले हैं? कब बोले? कब बोले हैं? बोले हाँ, बोले हैं कि हम देंगे 5 डिसमिल। ये पहाड़ पे जाके जमीन रोक लीजिएगा, किसके किसने कहा आपसे? वह विधायक जी कहे। आप गई थी उनके यहाँ? हाँ। कब? हम गए नहीं, जा आ रहे हैं विधायक जी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की नेत्री सीमा शर्मा ने सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल के ऊपर निशाना साधा है, और उनका कहना है कि आम जनमानस का यह कहना है कि उन्हीं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि आप लोग यहां पर अतिक्रमण कर ले। फिलहाल यहां पर लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है, देखना दिलचस्प यह होगा कि यह धरना प्रदर्शन आखिर कब तक चलता रहेगा। तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप बने रहें कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ। मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज।